सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज की वीडियो में आपको फ्री फायर गेम से रिलेटेड कुछ ऐसे बग दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप बोलोगे ओ एम जी। सो गाइज, सारे वीडियो को अच्छे से देखते रहना, अगर कोई बग आप मिस कर दोगे तो फिर यार बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये बग आगे चल के आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो एक एक बग को अच्छे से देखते रहना। एंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से यार, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर दबा देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला बग है हमारे यहाँ पे क्लैश पैड में, आपको एक स्मोक ग्रेन ले लेना है। एंगे स्मोक ग्रेन लेने के बाद यहाँ पर आपको देखो ग्लूअल लेना है, और ग्लूअल को ना आप इस स्मोक ग्रेन के ऊपर लगा सकते हो। देखो जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप ग्लूअल, मतलब पता नहीं फ्री फायर का एक ऐसा बग है जिसमें आप ग्लूअल को स्मोक ग्रेनेड के ऊपर तक लगा सकते हो। इसमें ग्लूअल जो होता है नीचे से कुछ नहीं, आप देख लो कुछ भी नहीं है, बट आप स्मोक ग्रेनेड इसके ऊपर से ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसको कहिए काफ़ी ओपी बग है, जो कि आई थिंक सिर्फ क्लैश पैड में मिलेगी, क्योंकि स्मोक ग्रेनेड सिर्फ क्लैश पैड में ही होता है। अगर और किसी और मोड में मिल जाए तो यार आप इसको यूज़ ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है, सिर्फ क्लैश पैड में आपको देखने को मिलेगा। सो बग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट बग है ट्रेनिंग मोड के ऊपर, ट्रेनिंग मोड में, सॉरी ऊपर बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग मोड में आना है आपको और टायर के पास आ जाना है। सो गाइस, टायर के पास आने के बाद आपको एक सेकंड पहले इस बंदे को ज़रा फिनिश कर देते हैं। सो गाइस, टायर के पास आने के बाद आपको स्कोप ऑन करना है किसी भी गन का। एंड गाइस, ऐसे ऊपर की तरफ उछलना है। एंड गाइस, आप सीन ऐसा होगा कि आप हमेशा की तरफ उछलते रहोगे, बस जब तक आपको कोई बंदा मार ना दे। यहाँ पे मेरे को बंदे ने मार दिया, उछलता रहा। सो गाइस, आप ऐसे उछलते रहोगे। सो गाइस, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बग की तरफ। सो गाइस, नया रैंक सीजन आ चुका है, रैंक पुशिंग की बहुत होड़ लगेगी। सो गाइस, उसी में एक बग निकल के आया है, जो कि बग कह लो या ट्रिक कह लो, हिडन प्लेस भी कह सकते हो। सो गाइस, ऐसे आपको ग्लूअर लगाना है, और ग्लूअर लगाने के बाद तीन ग्लूअर लगेगी आपको, तीन ग्लूअर लगाने के बाद आपको ऐसे ऊपर आ जाना है। एंड गाइस, ऊपर आने के बाद वो ग्लूअर जो हमारा ग्लूअर है, आपको और अपने टीममेट को अगर आना चाहो तो आ सकते हो, और ऊपर आके इजी रैंक पुश कर सकते हो। एंड गाइस, जो ग्लूअर है नीचे वो फूट जाएगी अपने आप ही, या फिर अगर कोई दूसरा बंदा हो तो अगर वो नहीं करना चाहता रैंक पुश तो उसे बोल दो कि वो ग्लूअर फोड़ देगा, या फिर जो नीचे वाली ग्लूअर होगी वो अपने आप ही कुछ सेकंड बाद फूट जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको, आपको भी पता होगा कि ग्लूअर कुछ सेकंड के बाद अपने आप ही फूट जाती है। तीन ग्लूअर के ऊपर आप ऊपर आ जाओगे, ठीक है। जैसे कि देखो कैसे करना है, आपको यहाँ से ऊपर आना है, पहले से बीच वाले में से आना है, फिर आपको यहाँ से ऊपर इजिली आप जा सकते हो, आप ट्राई करोगे तो पहुँच जाओगे। तो देखो एक ग्लूअल अपने आप ही फूटने लगी, बिकॉज कुछ लिमिटेड टाइम के बाद ग्लूअल अपने आप ही फूटने लग जाती है, तो आपको ही पता होगा यार। सो गाइस, चलो भाग आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट ट्रिक है जो है हमारे पीक की तरफ। सो गाइस, इसमें बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक ग्लूअल लेना है, एक ग्लूअल लेना, ग्लूअल यहाँ पर ऐसे लगा देना। एंड गाइस, यहाँ से आपको कोने कोने में जाना है, और इस ग्रेन जो ग्लूअल है इसके ऊपर आना है। ग्लूअल यहाँ पर आने के बाद आपको एक लैंडमाइन फिक्स कर देना है। सो गाइस, देखो ये लैंडमाइन फिक्स करने के बाद हमारे एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई लैंडमाइन भी चीज़ है। आपको अगर आप ग्रेनेड ग्लूअल फोड़ना चाहो तो फोड़ सकते हो, ऐसे कोई बात है नहीं। सो ग्लूअल फोड़ने के बाद अगर एनिमी देखो यहाँ वाली लैंडमाइन तो वो फोड़ देते हैं कि उछल के फोड़ देते हैं, बट वो वाली लैंडमाइन को कैसे फोड़ेगा उसमें कोई ट्रिक ही नहीं है। एंड गाइस, अगर वो एनिमी ऊपर आया, सो गाइस आप जान सकते हो अगर वो एनिमी ऊपर आया तो वो अच्छा खासा डैमेज आएगा, हो सकता है उसको लैंडमाइन का हेडशॉट भी लग जाए यार, सॉरी मजाक कर रहा था छोटा सा। तो हो सकता है कि मतलब एनिमी को काफ़ी अच्छा डैमेज आएगा, क्योंकि वो जो एप्स होगा वो पैरों के पास ना फूट के ऊपर की तरफ फूटेगा, तो अच्छा खासा डैमेज जाने वाला है एनिमी को भी। सो गाइस, ये मैं बच गया बड़ी मुश्किल से। चलो, तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये आपको कैसे करना है। गाइस, नेक्स्ट सेम बग इसी घर के ऊपर है, जो कि आपको यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद अगर आपको मान लो पता है इसको स्क्वाड रश करिए, एक बंदा ये सोलो में है, तो आपको पता नहीं कि दुश्मन मतलब एनिमी हमारी है कहाँ, तो इसे आप पता कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ से मैंने, यहाँ पे तो मैं आपको बताया कि आप यहाँ आ सकते हो, पर आप पता कर सकते हो, जैसे कि मैं चेक किया था अभी, आप मैं आपको क्लिप में दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, यहाँ पे मतलब मैं आया, एंड यहाँ पे मेरे को एक एनिमी था नीचे। सो उस एनिमी को मेरे को मतलब पकड़ना था, गोली मारना था, जो भी का वहाँ पे मैं लोकेशन चेक कर रहा था, बट वो एनिमी दरअसल मैं नीचे था, उसने मेरे को कैसे देख लिया, वो तो बहुत ही टैलेंटेड दुश्मन हो, मतलब टैलेंटेड बंदा हो गए। तो यहाँ से तो मैं भागा और तो मैंने मार दिया। सो आप देख सकते हो एक बग भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप एनिमी स्पॉट कर सकते हो, बट अगर चाहो तो आप किसी बंदे को यहाँ से किल भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा। वो तो खत्म हो गया, बट गाइस अब नेक्स्ट बग की तरफ आते हैं, जो कि नेक्स्ट है। सो गाइस, आपको ये रैंक गेम में भी वर्क करेगा, या फिर क्लैश स्क्वाड कोई सा भी बग खेलो उसमें वर्क करने वाला है। सो आपको एक ग्लूअर लेना है, ग्लूअर लेने के बाद आपको यहाँ आना है, और यहाँ पर आपको बैग को फोड़ देना, जिससे आप अपने टीममेट को और एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो। उसे यहाँ आने के बाद आपको कुछ लूट फेंक देनी है, जैसे कि देखो मैंने लूट फेंक दिया, लूट फेंकने के बाद आपको ये जो ग्लूअर है इसको फोड़ देना है। गाइस, आपका सामान होगा जो आपकी जितनी भी आपकी लूट होगी वो सारी आसमान में ही रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी, जैसे कि आप देख सकते, जैसे कि आप क्लिप में देखा था। एंड यहाँ पे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे तो यार बेसिकली मतलब मैं आपको बता दिया कि कैसे होगा। तो आप ग्लूअर लगानी है, इस ग्लूअर लगाने के बाद आपको उसके ऊपर कूदना है, और वहाँ से जितने भी सामान आपके बैग में जितना फेंकना चाहो फेंक सकते हो, एंड जो लूट होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा। सो गाइस, ये बग आपको कैसा लगा, इससे आप मैं टीममेट को सरप्राइज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप ये बग आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस, अगर आपको कोई सा भी बग अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू हो
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें। मिलता है आपको अगली वीडियो तक, टाटा एंड बाय बाय।